सभी से निवेदन, सभी नीचे बैठेंगे और जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो दर्शन करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कोई भी बिना मतलब इधर उधर खड़ा नहीं रहेगा। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिवस, ईश्वर ने हम सब जीवात्माओं के लिए इस भूधरा में आना स्वीकार किया और ईश्वर के इस कार्य को संतों ने भी स्वीकार किया। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र से पधारे हुए परम पूजनीय परम आदरणीय प्रातस्मरणीय महंत श्री हितेश मुनिजी शास्त्री साचार्य जी का स्वागत श्रीमान डॉक्टर सुदेश सिंह तिलक और पुष्पा डालकर कर रहे हैं। सबने तालियां बजाकर स्वागत करना है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज। इस प्रकार परम पूजनीय परमादरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय महर्षि रमण शास्त्री जी का स्वागत पूजनीय सदभक्त श्रीमान नवल जी तिलक और पुष्पा डालकर कर रहे हैं। तो सभी ने स्वागत के लिए तालियां बजाना है। उसी प्रकार संकीर्तन में हम सबका साथ देने के लिए कपूरथला से पधारे रजत जी का स्वागत परमेश्वर सदभक्त श्रीमान रंजीत जी कर रहे हैं। तालियां बजाकर सहयोग कीजिए। हमारे साथ भजन कीर्तन में सहयोग देने के लिए बाहर से पधारे उन सभी वादकों का भी स्वागत किया जा रहा है और जो भक्त जनता दूर दूर से ईश्वर के नाम का श्रवण करने के लिए ईश्वर को भाव सुमन समर्पित करने के लिए यहाँ पर पधारे उन सबका भी मैं बात पुष्पों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हमारे मंदिर अमृतसर के संचालक महंत जी सागर मुनि जी शास्त्री साधाकर जिसकी वजह से आज पुनः जन्माष्टमी के निमित्त आज रौनक लगी है, उनका स्वागत हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। Thank you.
Thank you.
और ईश्वर अवतार भी लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ताप त्रय विनाशाय अर्थात तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले हरण करने वाले, और जो ईश्वर सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और अनंत स्वरूप है, इस जीवात्मा को भव सागर से तारने के लिए, दुखों का हरण करने के लिए ईश्वर इस संसार के अंदर आगमन करते हैं। और इसलिए गोविंद हरे गोपाल कि हे गोविंद मेरे दुखों का हरण कीजिए, हे गोपाल मेरे दुखों का हरण कीजिए। तो इसलिए सभी पीछे गए गोविंद हरे गोपाल ऐसे ठाकुर जी जिनका आगमन